विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने मौत को गले लगाया और नदी में छलांग लगा दी। जी हां, ये खबर है रीवा जिले से, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से गुजरने वाली नदी में युवक ने छलांग लगा दी। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी, तो आनंद फानंद में पुलिस गोताखोरों से युवक की तलाश कर रही है। युवक की पहचान अरुण कुमार कुशवाहा के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जिले से, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अमवा बाईपास बिहार पुल से टिकिया गांव निवासी अरुण कुशवाहा ने अज्ञात कारणों के चलते छलांग लगा दी थी। आपको बता दें कि उसके पहले युवक ने अपने परिजनों को फोन किया कि मैं आज के बाद नहीं मिलूंगा। उसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। युवक की गाड़ी बिहार नदी के पास मिली, उसके बाद से पुलिस लगातार तलाश कर रही है। खबर प्रसारित किए जाने तक युवक की लाश नहीं मिली थी। राविंद्र कुशवाहा एक लड़का जो है, उम्र उसकी 28 साल है, चुराडा क्षेत्र का रहने वाला है, और कल वो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके, वो बिहार नदी है उसमें पास खड़ी थी, और उसके घर अपने घर फ़ोन किया कि मैं जब है आज के बाद मैं नहीं रहूँगा। इस सूचना में पुलिस ने जो है गुम इंसान कायम करके उसकी जांच की। उसकी मोटरसाइकिल वहाँ हरिहरपुर के पास में जो बिहार नदी है वहाँ पे मिली है। संभावना है कि वो नदी में कूद गया होगा। पुलिस SDRF की टीम के साथ लगातार तलाश कर रही है, अभी वो दस्तयाब नहीं हुआ है।